देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झबरेड़ा से पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह और उनके बेटे गौरव चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को आज अलविदा कह दिया। पूर्व विधायक का आरोप है कि देश हो या प्रदेश, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल साबित हुई है। आलम यह है कि उत्तराखंड में किसान परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और विपक्ष के तमाम विधायक शांत हैं। चौधरी यशवीर ने कहा कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पर गुटबाजी है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह के गुट ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया है। चौधरी यशवीर ने कहा कि उनके साथ कांग्रेस छोड़ने वालों में दर्जनों ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान शामिल हैं। होली के बाद नई पार्टी में जाने का ऐलान करेंगे। गौरतलब है कि चौधरी यशवीर दो बार झबरेड़ा विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और अब वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही अपना फैसला करेंगे। कांग्रेस छोड़ने का है, कांग्रेस में इतनी गुटबाजी हो गई, कांग्रेस में इतना गंदी बात हो गई कि हर आदमी को हर गुटबाजी में झेलना पड़ रहा है। हम लोग भी गुटबाजी को झेल रहे हैं। अगर कहीं हरीश रावत का फंक्शन होता है तो दूसरे लोग कह देते हैं इस फंक्शन में जाओ। अध्यक्ष जी का फंक्शन होता है तो हरीश रावत की तरफ से खबर आती है इसमें न जाओ। तो ये गुटबाजी कांग्रेस की इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी उनकी गुटबाजी को नहीं समझ रहा। हम उस गुटबाजी से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। हम उस गुटबाजी में कांग्रेस में काम नहीं कर सकते। ठीक, चुनाव पे निर्णय ले जाते हैं। उन लोग कल इकट्ठा हुए, कुछ बात हुई, जो भी समय होता है समय के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। कितने समर्थक आपके यहाँ पहुँचे हैं, कितने लगभग? मैंने आपको लिस्ट दे दी है, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, ये एक जिम्मेदार आदमियों की मीटिंग थी। इसमें जो है पूर्व प्रधान भी हैं, हाल के प्रधान भी हैं, लक्सर के चेयरमैन भी हैं, लक्सर के प्रधान भी हैं, मंगलोर के प्रधान भी हैं, मंगलोर के चेयरमैन भी हैं, पूरे जिले के प्रधान। आपसे एक रिक्वेस्ट की कि जो भी होगा एक बड़ी मीटिंग के बाद हम घोषणा करें। निश्चित रूप से बहुत बढ़ गई इसमें दौरे। ये मैं प्रीतम सिंह को कोई ब्लेम नहीं करूंगा। थाली एक हाथ से नहीं बजती, थाली दोनों हाथों से बजती है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। ये कल या परसों बात होगी। मैं समझता हूं बसपा का टिकट तो फाइनल हो चुका, पर फिर भी अगर कोई संभावना है तो देखेंगे। अगर कहीं अपना अच्छा भविष्य कहीं दिखेगा तो लड़ने की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो होली आने वाली है, संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एमपी चुनाव सिर पर है। हमने आज कांग्रेस पार्टी से की सदस्यता से, मैंने और मेरे पिता पूर्व विधायक चौधरी सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और जो गणमान्य जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो प्रधान हैं, चाहे पूर्व प्रधान हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स हैं, जिसकी बाकायदा जो यहाँ मौके पे मौजूद थे, और बाकी मैंने पत्रकार बंधुवर के सामने बाकायदा खड़े होकर उनका परिचय कराते हुए, उन सब लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। देखिए, कारण कुछ नहीं है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ना तो निभा पाई है, ना किसानों के बारे में वो विपक्षी आवाज़ उस मुद्दे से उठा पाई है। आज तक मिलों के पेमेंट नहीं हुए हैं। निसंकोच पद का लालच नहीं है हम लोगों को, लेकिन अगर क्षेत्रवासियों के, किसानों के काम नहीं होंगे तो ये राजनीति आगे भविष्य के लिए, मैं समझता हूँ, ना क्षेत्र के लिए, ना आम जन के लिए अच्छी है। देखिए, अभी कोई स्टेप नहीं है, ना बसपा का ना बीजेपी का। अभी तो पहले अपने लोगों के साथ मंथन करेंगे, मंथन करके एक मीटिंग बुलाएंगे, आप लोगों को निमंत्रण देंगे, और जो भी हमारे लोग हमारे बीच में, हमें जिसमें रहना है, वो जो निर्णय लेंगे वो हमसे कराएंगे। ये निर्णय होली के बाद हम लोग लेंगे। अभी दो दिन का त्यौहार है, होली के बाद हम अपने लोगों के बीच में बैठेंगे और जैसे आदेश पब्लिक हमें करेगी हम उस हिसाब से।